Assalamu alaikum, beautifuls. How are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today. So my last Valima entry video was such a favorite of you all ke I thought I have to share another entry. So usse pehle hum karenge get ready with me and so let's not waste time and let's start the video. स्टार्ट करूंगी मैं लेंसेज अप्लाई करने से और लेंसेज लगाते वक्त किसकी आंखों में पानी आता है. नॉर्मली मेरी आंखों में इतना पानी नहीं आता बट आई डोंट नो आज क्यों रोना आ रहा है. नेवर माइंड. अच्छा जी हम मॉइस्चराइजिंग से स्टार्ट करेंगे और विंसे का ये जेल मॉइस्चराइजर आई डू हैव अ कंप्लीट वीडियो ऑन इट. इट्स अमेजिंग. आज मैं प्राइमर लगाना नहीं भूलूंगी बल्कि एक नहीं दो दो प्राइमर्स लगाऊंगी. जी मैं हमेशा टू प्राइमर्स अप्लाई करती हूँ बिकॉज आई डू हैव अ लार्ज पोर्स ऑन माई फेस. टू हाइड दैट मैं उससे पहले एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर अप्लाई करती हूँ एंड आई डू हैव सम पिगमेंटेशन ऑन माई स्किन. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई अप्लाई अ टिंटेड प्राइमर. तो उसके बाद जी मैं प्राइमर्स को सेट ज़रूर करते हैं क्योंकि इफ़ यू डोंट सेट योर प्राइमर देन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता. सो उसके लिए मैं एक ये बेक्ड ग्लोइंग पाउडर अप्लाई करती हूँ जो मेरी प्राइमर को सेट करता है एंड इट डजेंट मेक माय फेस केकी एट ऑल. उसके बाद मैं टू फाउंडेशंस का मिक्सचर अप्लाई करती हूँ. इट वाज वंस रिदर्सन फाउंडेशन एंड अदर वाज वाइज लाइक मैक्स फैक्टर. मैं सारी प्रोडक्ट्स के नाम जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी. उसके बाद ये मैं फिजिशियन फार्मूला की बीट्स पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. जब आपकी स्किन में इतनी सारी प्रोडक्ट की लेयर्स लग रही हो तो यू डोंट नीड अ केकी और हैवी पाउडर समथिंग. तो ये बहुत ही अच्छा रहता है. उसके बाद मुझे आईज पे तकरीबन डेढ़ दर्जन कलर अप्लाई करने थे तो आई थॉट लेट्स ओपन दिस बिग आई शेडो पैलेट जो मुझे रेमेडीज विद खानम ने गिफ्ट की थी एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल पैलेट. थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट मुझे तो फ्री में मिली. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पिंक कलर एज अ ट्रांजिशन कलर. उसके बाद मैं ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करूंगी विद यू नो शिमरी और शैम्पेन काइंड ऑफ गोल्ड से. उसके बाद मैं पर्पल कलर अप्लाई कर रही हूँ एज अ लाइनर काइंड ऑफ यू कैन से सिचुएशन में. उसके बाद जब इन दोनों कलर्स के दरमियान में जगह बचेगी वहाँ हम पिस्ताशू ग्रीन कलर अप्लाई कर रहे हैं. अच्छा इसी पर्पल से मैं लोअर लैश लाइन को भी हाईलाइट कर लूँगी और एक दोबारा अपने क्रीज को हम नीट कर लेंगे. As you can see, this kind of formation of eyeshadows is very different. ये टेक्निक मैंने basically निकी ट्यूटोरियल से सीखी है और ये जो आंटी पीछे बोल रही है ना ये पता नहीं क्यों चौचा बोलती है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती. इसके बाद मैं मस्कारे के टू कोट्स अप्लाई करूँगी सो आई डोंट हैव टू अप्लाई लैशेज. मुझे ये जब नीट आई शेडो निकलता ना आई जस्ट लव इट. उसके बाद हम कॉन्ट्रोरिंग करेंगे विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेकअप. आती है जी हाइलाइटर की बारी. बाय द वे गाइस डू यू लाइक माय चेंज बैकग्राउंड. जिन लोगों को बैकग्राउंड से मसला था ले लो मेरे पीछे की या की नहीं. उसके बाद जी हम ब्लश ऑन अप्लाई करेंगे ऑल ओवर द फेस. ये टू फेस का ब्लश ऑन है विच इज काइंड ऑफ पीची एंड शिमर काइंड ऑफ ब्लश है. जब हम फेस को करेंगे सेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाय द वे दिस इज अ मिस्ट्रो सेट स्प्रे जो आई डोंट थिंक सो इट्स टू गुड बट इट्स ओके. अगर आपने अच्छा एक अफोर्डेबल बाय करना है देन इट्स ओके. उसके बाद हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे. लिप्स पे मैं तकरीबन कोई 3-4 कोट तो अप्लाई कर ही देती हूँ कि उसके बाद लिपस्टिक आपकी कहीं नहीं जाती है फॉर लाइक नेक्स्ट 4-5 आवर्स. उसके बाद जी हम मैं हमेशा लिक्विड लिपस्टिक भी अप्लाई करती हूँ ऑन टॉप ऑफ द बुलेट लिपस्टिक. उसके बाद लेट्स क्विकली कंप्लीट द लुक एंड लेट्स गो टू द वेडिंग. बहुत मज़ा आया था. इट वाज अ वेरी यू नो सरप्राइजिंग काइंड ऑफ एंट्री आई थॉट आई शेयर विद यू. सो एंजॉय दैट. And for those of you who are
won't bring ke haniya kahan par hai. So this is the end of my video. Hope you like my video. If you like, then don't forget to give it a thumbs up and subscribe to my channel. Thanks for watching, guys. Allah Hafiz.